अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ गोला कबाब बनाना। तो गोला कबाब में हमें क्या क्या चाहिए मैं बताती हूँ आपको। हमने आधा किलो इसमें कीमा लिया है, आधा किलो मैंने कीमा है इसमें कीमा है। कच्चा पपीता जो है वो आप इसमें 2 टेबल स्पून मिला दीजिएगा 2 घंटे पहले। और प्याज है मेरे पास, 3 प्याजें हैं मीडियम साइज़ की, जिनको मैंने ब्राउन कर लिया है, फ्राई कर लिया है ऑयल के अंदर। और ऑयल सारा निकाल दें उसका और प्याज आप अलग कर लें। मेरे पास शास्त्री स्टिक्स हैं, जो शास्त्री की स्टिक्स होती हैं, ये स्टिक्स में हम इसको लगाएंगे। आप सीखों पे लगाएं किसी, या तवे पे फ्राई करें, या स्टीम में बनाएं, या इस पे स्टिक्स पे लगा लें। ऑयल हमें थोड़ा सा चाहिए होगा इसको फ्राई करने के लिए, हल्का सा ग्रीस करने के लिए। गार्लिक हैं, गार्लिक के हमारे पास 8-10 जवें हैं, क्यूब्स हैं इसकी गार्लिक की 8-10। और जिंजर की हमारे पास भी इतना, मतलब इतना एक उंगल का मैंने इसमें वो ले लिया है का, मतलब ये ना जिंजर पेस्ट ना, तो ये है। और हमारे पास बेसन है, इसको मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। इसको हम जब अभी सारे स्पाइसेस को फ्राई करेंगे तो इसको अपने इन स्पाइसेस में मिला लेते हैं। ये 2 टेबल स्पून बेसन है, कोरिएंडर है 1 बंच कोरिएंडर का है, 2 टेबल स्पून योगर्ट है इसके अंदर, सॉल्ट है इसके अंदर 1 टेबल स्पून, आप अपनी मर्जी से डालें सॉल्ट कितना डालना है। क्यूमन सीड्स हैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा भी आप अपनी मर्ज़ी से एक डालें, नहीं ज़ीरा इतना ही डलेगा, नमक जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और इसमें सफ़ेद तिल लें, सफ़ेद तिल अगर आपके पास नहीं है तो पाकिस्तान और इंडिया में तो खशखाश डालते हैं, तो यहाँ UAE में खशखाश नहीं मिलती है। तो आप अगर आपके पास खशखाश है तो इसकी जगह पर आप खशखाश डाल सकते हैं, खशखाश नहीं है तो फिर आप सफ़ेद तिल या बादाम डाल सकते हैं। और हमारे पास 1/2 टीस्पून क्रश चिल्ली पाउडर है, वन टी स्पून क्रश चिल्ली पाउडर है, 1 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला पाउडर है मेरा, आप वीडियो चेक कर लीजिएगा, ये उसका होममेड है। जायफल जवैत्री है इसके अंदर 1/2 टीस्पून मिक्स, मैंने थोड़ी सी जायफल है थोड़ी सी जवैत्री है, इसको इसी के इसमें ग्राइंड कर लेंगे। और हमारे पास इलायची पाउडर है 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है 2 चम्मच टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर है इसके अंदर। तो अब इन सारे स्पाइसेस को ना हम अपने फ्राई पैन में डालेंगे। डालने के बाद इसमें हम जो है ये बेसन भी ऐड कर देते हैं। अब इन सबको हम भून लेते हैं, हल्की आंच पे इसको भून लेते हैं। ये इसके अंदर मैंने ना सॉरी कोरिएंडर पाउडर इसमें हमने नहीं मिलाया, कोकोनट पाउडर मिलाया है, 2 चमचे कोकोनट पाउडर है, बाकी सारे स्पाइसेस हैं। और कोरिएंडर पाउडर इसमें नहीं है, कोकोनट का जो बुरादा होता है वो है इसमें ड्राई। और बेसन आपने इतना फ्राई करना है कि बेसन की खुशबू आने लग जाए, तो फिर आपके सारे मसाले जो हैं वो भुन जाएंगे। बेसन को मतलब बेसन की खुशबू आनी चाहिए और हल्की आँच पर इसको करें। ये देखें जी अब ये भुन गया है सारा, इसके मुझे मसालों की अब खुशबू आने लग गई है, तो इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको अपने उसमें ऐड मिक्स करते हैं कीमे में। जी देखें सारे मसाले मैंने इसके अंदर कीमे में डाल दिए हैं अपने, 1 किलो कीमे में सारे चले गए, प्याज हमारी चली गई 1/2 किलो कीमे में, प्याज चली गई, फ्राई प्याज है ये, प्याज को ब्राउन कर लीजिएगा, 2 हरी मिर्चें चली गई, मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, मैंने इसमें रेड चिली भी डाली है पाउडर क्रश, तो इस वजह से कम डाल रही हूँ मैं। और ये इसमें हरा धनिया, अदरक लहसुन भी चला गया, और ये दही योगर्ट भी चला गया, 2 टेबल स्पून योगर्ट है। अब इन सारे स्पाइसेस को जो है ना हम ग्राइंड कर लेते हैं चॉपर में, इसको मैं चॉप कर लेती हूँ। ये देखें ऐसी पेस्ट बन जाएगी ना, इसको आपने इस तरह पीसना है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, सही तरह चॉप हो गया है, फिर बनाते हैं इसको। जी ये देखें मैंने अपना प्लेट में निकाल लिया इसको, और ये इसमें हो गया है। अब इसका बनाना शुरू करते हैं, स्टिक्स लेते हैं, वरना आप अगर पतीली में बना रहे हैं तो ऐसे ही बॉल बना के इस तरीके से और उसमें डाल दें।
ऐसे बना के उसमें डाल दें, मतलब इस तरीके से भी रख सकते हैं कबाब, ऐसे ही गोला शेप की जो कबाब होती है वो शेप है वो ऐसी ही है, ऐसे भी रख सकते हैं। और आप इसको स्टिक के अंदर ऐसे करके छोटे छोटे कबाब बनाएं इस तरह, दो तीन एक में लगा लेते हैं। अभी अंगीठी पे करना है तो अंगीठी पे कर लें, मैं पतीली में अपनी करूँगी, नॉन स्टिक पर धोए हुए हैं तो उसमें चिपकेगा भी नहीं ना, इतना दो दो लगाते हैं। इसको भी मैं ऐड कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप बगैर स्टिक के बनाएं तो उसमें ही बना लीजिएगा, ऐसे बना के पतीली में डाल दीजिएगा। ये मैं इस तरह सारे पे लगा के, ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक, इसके बाद फिर मैं सारों पे ऐसे ही लगा के बस इसको अच्छी तरीके से बाइंड करना है ऐसे। फिर रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम सारे सारों पे लगा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने 18 जो स्टिक्स बन गई हैं इसकी, 18 स्टिक्स बन गई हैं उसके अंदर हमने इसको भर दिया। अब मैं इसको ना अपने पैन के अंदर मैंने हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लिया है, लगा दिया है। लगाने के बाद इसको हम एक एक करके इसके अंदर रखते जाएंगे और आंच को बिल्कुल हल्का कर दें। इसी तरह सारे स्टिक्स जो हैं इसके अंदर लगा देते हैं। मैंने सारे लगा दिए इसके अंदर, ये आधा किलो कीमे के अंदर इतने सारे बन गए हैं। अब हम इसको कवर करके 15 मिनट तक इसको, मतलब इसी के पानी में आपने कुक करना है, मतलब इसको अब इतना पकाना है कि अगर टाइम का आपको मैं ना भी बताऊं तो बस आपने इसको इतना कवर करना है, कवर करके इसको इतना पकाना है कि हल्की आंच पे, कि ये आपको जब उठाएं स्टिक तो आपको लगे कि कीमा जो है गल गया है। वैसे कच्चा पपीता मिला हुआ होगा तो वो जल्दी ही गल जाएगा, तो इस वजह से ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो 15 मिनट में आई थिंक ये डन हो जाएंगे, तो मैं उसके 15 मिनट बाद आपको ये जब तक हो जाएंगे तो मैं आपको चेक कराती हूँ कि कितना। और इसकी जो आँच है वो बिल्कुल हल्की रखिएगा, मीडियम उस पर लो पे रखिएगा, ताकि हल्की पे ही रखिएगा ताकि इसका पानी निकलेगा तो उसी में ये कुक हो जाएंगे। और अगर आपने इसमें दम देना है, दम मतलब कीमे के अंदर दम देना है, तो आप कोयला गर्म करके इसके बीच में रख के और उसका धुआं दे दीजिएगा तो ये कोयले वाले हो जाएंगे। ठीक है, आगे बनाते हैं। ये देखें, ये ना 15 से 20 मिनट के बाद ये ऐसे हो गए और इसके अंदर पानी, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, इसी का पानी है जो कीमे का पानी है। अब हमने ये गल भी मतलब पक गया है ना सही तरह कीमा। अब आपने ऐसा करना है, ये देखें ऐसे पक गया है। अब आपने ऐसा करना है कि इसका पानी को ड्राई करना है, बाकी ये डन हो कम्प्लीट हो गए, बस इसका जो जितना भी एक्सेस वाटर है इसको हम ड्राई करते हैं ना। ये देखें कंप्लीट हो गए। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ करके इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। जी देखें, ये रेडी हो गए, मैंने गार्निश कर लिया है इनको। और आप इसके ऊपर कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, कोयला मतलब यहाँ फॉइल रखने के बाद उसके ऊपर कोयला रख दें, कोयले के ऊपर कोई चीज़ कवर कर दें ताकि सारे पे इसकी स्टीम लग जाए। और दूसरा ये कि इसे किसी भी अच्छी सॉस के साथ, आप रायते के साथ, केचप के साथ, किसी बारबेक्यू सॉस के साथ इसको खाएँ और इन्जॉय करें। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी, कैसे लगे कबाब। और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे थम्स अप बना हुआ है उसे लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी डिशेस सही लग रही हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, दुआ में याद रखें।